चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज ये जनरल एंट्री का बेसिक फॉर्मेट, जो कैसे लॉजिक के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हम जो होगा, कोई भी सम होगा जिसमें हमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो शेयर कैपिटल है वो ज्यादातर 4 पॉइंट में डिवाइड होता है। मतलब आप बोलोगे सर पहले जो होता है वो एप्लीकेशन मनी। बच्चा मैं एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में एप्लीकेशन ऐसे ही लिखूंगा, आपको फुल फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिखना है। मेरी कॉपी मत करना बच्चा, क्योंकि मेरी तो 2 मिनट में ये चला जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर नोटबुक में लिखना है। यहां से आपका रियल सफर शुरू हो रहा है चैप्टर का। एप्लीकेशन हुआ, उसके बाद आप बोलोगे सर अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट इसमें भी अभी लिख दिया है पूरा, चलो तो कोई बात नहीं। उसके बाद है फर्स्ट कॉल और इसके बाद है फाइनल कॉल, ज्यादातर इतना होता है। तो आप बोलोगे सर ये जो है फाइनल कॉल, उसके बाद आप बोलोगे सर इसमें जो है इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कई बार 3 इंस्टॉलमेंट भी होते हैं, 3 मतलब फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उससे बीच में ऐसे होता है सेकंड कॉल, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा कुछ होगा। यहां से जनरल एंट्री कैसे, कौन से पॉइंट पे क्या वर्ड लिखना है, नैरेशन मस्ट है। जनरल एंट्री जब भी आप लिखोगे नैरेशन लिखना पड़ेगा। सम में स्पेसिफाई कर दिया है कि नैरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड तो चलेगा, बाकी आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला जो पड़ा होता है वो क्या होता है, कंपनी शेयर इश्यू करता है। कंपनी शेयर इश्यू करेंगे तो क्या होगा, लोग एप्लीकेशन देंगे तो उसका क्या होगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, पॉइंट याद रखना पड़ेगा बच्चा, वो ध्यान में रखना है, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, When application money received। बच्चा मैं बोल के लिख रहा हूं, आप मेरे पैरेलल लिख सकते हो जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो आप बोलोगे सर हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, कौन से मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी बुक्स में लिख रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर हमें थोड़े रूल आते हैं किसका, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, रियल की बात करते हैं, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या किया जाएगा, तो आप बोलोगे सर किसके पैसे मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर पैसे मिल रहे हैं शेयर एप्लीकेशन के, तो शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां तक पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, जितने नंबर ऑफ शेयर की एप्लीकेशन मिली है वहां पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। जो बच्चा पहली बार सीख रहा है उनको थोड़े आगे पीछे के डायलॉग कम समझ में आएंगे, लेकिन जो बच्चा पहले उन्होंने चैप्टर कर लिया और फिर से रिवाइज कर रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही इजी समझ में आएगा, वो को रिलेट कर पाएगा एक एक पॉइंट को। तो बच्चा सबसे पहला डायलॉग जब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लॉजिक वो है कि सिंपली पैसे मिल रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, और किसकी वजह से पैसे मिल रहे हैं, ऐसे लोग नहीं दे रहे सर, दे रहे वो शेयर एप्लीकेशन की वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अभी एप्लीकेशन मनी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो लिखना शुरू करते हैं सबसे सेकंड पॉइंट, तो इसमें लिखेंगे व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एससी मतलब शेयर कैपिटल, वो ध्यान में रखना बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर तो इसमें क्या होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा। और उसके बाद बच्चा जो ध्यान में रखना है, क्रेडिट क्या करना है, शेयर कैपिटल ध्यान में रखना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और जनरल एंट्री फिर से एक बार बोल रहा हूं, कई बार क्या होता है बच्चा कि पैसे जितने मांगे थे उतने ही मिले, मतलब हमने मांगे थे 1 लाख और 1 लाख रुपीज मिल गए तो कोई इश्यू नहीं है, हमने जितने रुपए थे उतने रुपीज ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बच्चा कई बार क्या होता है कि हम जो मांगते हैं वो लोग नहीं देते, कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाते हैं, ज्यादा प्यार दिखाएंगे क्योंकि वो इन्वेस्ट हमारी कंपनी में करना चाह रहे हैं। तो आप बोलोगे तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है बच्चा, आपको वो क्लियर करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट क्लियर करना वो क्या है कि आपको जितने एप्लीकेशन मनी ज्यादा मिली है तो आप रख नहीं सकते, ज्यादा पर आप रख नहीं सकते, आपको उसको वापिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा डायलॉग दूसरी जनरल एंट्री आपको लिखनी पड़ेगी, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो यहां पे सेम जनरल एंट्री रहेगी लेकिन उसमें आ जाएगा क्रेडिट में बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब
क्योंकि अभी समझ लो कंपनी को जो ज्यादा एप्लीकेशन मिली थी वो कंपनी ने वापस कर दी, तो पैसे आ रहे कि जा रहे? तो आप बोलोगे सर जा रहे, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है बच्चा? इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ क्रेडिट था, उसको क्लोज करना था और कैपिटल में ट्रांसफर करना था, क्योंकि कंपनी के चारों पॉइंट है वो चारों कन्वर्ट कहाँ होते हैं? कैपिटल में ही होते हैं बच्चा, वो ध्यान में रखना है। वो जो है वो मेन पॉइंट वही है कि कैपिटल में ही सारे पॉइंट कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चा, तो हर एक की दो दो जनरल एंट्री होती है, तो ये दो जनरल एंट्री खत्म। अभी हम कर रहे हैं अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट की दो जनरल एंट्री। बच्चा अभी हम क्या लिखते हैं? तो आप बोलोगे सर अभी जो पॉइंट है वो अलॉटमेंट मनी क्या होगा? एक बार एप्लीकेशन को हम अलॉट कर देते हैं, जो शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है उसको हम शेयर अलॉट करेंगे, तो वो अलॉटमेंट होने के बाद अभी अलॉटमेंट मनी हम उनसे मंगवाएंगे। तो मैं थोड़े मेरे वर्ड में लिखवा रहा हूं जिससे आपको इजी रहे। तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो क्या होगा? तो बच्चा बहुत सिंपल है, पैसे मंगवाने हैं किसके लिए? तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के लिए, तो आप बोलोगे अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चा? इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये पॉइंट हुआ थर्ड। अभी आप बोलोगे सर पैसे मिलेंगे तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा? तो बैंक अकाउंट आप बोलोगे सर इसमें व्हेन अलॉटमेंट, वो डायलॉग लिखना बाकी रह गया, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव। पैसे मिल रहे हैं तो आप बोलोगे सर पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होगा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बैंक थ्रू ही होता है, चेक थ्रू ही होता है, तो आपको वो क्लियर करना है बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और यहां पे होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये फोर्थ पॉइंट आपका हुआ, उसके बाद आप बोलोगे सर अभी ये दोनों की कंबाइन एंट्री मैं लिखवा रहा हूं, आपको जो भी दिया होगा उसमें छोटे मोटे चेंजेस आएंगे, बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो ये हुआ थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद है फिफ्थ, जिसमें आप बोलोगे शेयर कॉल मनी ड्यू, मतलब आप बोलोगे सर कॉल मनी ड्यू होगा, हम लिख रहे हैं फाइनल कॉल, समझ लो ना एक ही कॉल है तो हम फाइनल कॉल के वर्ड के हिसाब से लिखेंगे। दो कॉल की सेम एंट्री होती है, खाली आपको फर्स्ट लिखना होना पड़ता है और यहाँ पे सेकंड कॉल होता है तो फाइनल कॉल या सेकंड कॉल लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू की एंट्री सेम आएगी। आप बोलोगे सर पहले क्या होता है कि फर्स्ट वाली जनरल एंट्री में सबसे पहले की बात कर रहा हूं, ये दो की लोग एप्लीकेशन मनी पहले हमें देते हैं इसलिए पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद क्या होता है, थर्ड में कंपनी ड्यू कर दिए, कंपनी बोलेगी कि आपके पैसे ड्यू हो गए एप्लीकेशन के, हमने आपको शेयर होल्डर बना दिया है तो आपको अभी अलॉटमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कंपनी क्या बोलेगी, सर आपके शेयर अलॉट हो गए, मतलब अभी आप हमारे शेयर होल्डर हो, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, तो अभी आपको एप्लीकेशन के मनी आपने जो दिए थे वो हम ले लेंगे और अलॉटमेंट के मनी आपको ड्यू हो गए। तो बच्चा आप बोलोगे सर अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा तो सिंपली आपने वो एंट्री की थी सेम एंट्री होगी फाइनल कॉल में, अलॉटमेंट में जो की थी सेम एंट्री फाइनल कॉल में होगी, खाली आपका फर्क होगा अलॉटमेंट की जगह वर्ड लिखा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल थोड़े वर्ड में आगे पीछे लिख रहा हूं, क्यों फाइनल कॉल, तो यहां पे हम लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और यहां पे शेयर कैपिटल था तो सेम वे यहां पे भी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे लिखते हो। इसके बाद ये हमारा फिफ्थ पॉइंट भी खत्म, फिफ्थ जर्नल एंट्री। और आप बोलोगे लास्ट में सर जो करोगे वो आपको फाइनल कॉल के पैसे मिलेंगे, तो आप लिखोगे व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव, व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव, तो जिसमें आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या करोगे, किसके वजह से पैसे मिल रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसके साथ बच्चा हमारा छह जनरल एंट्री का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, एक छोटा सा इजी सा मैं करवा रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी परफेक्ट आ जाएगी। तो बच्चा अभी हम एंट्री लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन सब में दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड इश्यू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच।
कहने का मतलब बहुत सिंपल है, 1 लाख इक्विटी शेयर थे इश्यू जो किया था और जिसकी फेस वैल्यू जो प्राइस पे इश्यू हुआ था वो 10 रुपीज के थे। आगे चलते, एप्लीकेशन में उन्होंने मंगवाए 5 रुपए, अलॉटमेंट में मंगवाए 3 रुपए और शेयर फाइनल कॉल में जो मंगवाए वो बोले 2 रुपीज, टोटल होना चाहिए 10 जो हो गया। आपको बोला गया पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो बच्चा ये जो एंट्री है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जितना प्रॉपर लिखोगे समझोगे तो आपके लिए इजी होगा। कई बच्चे ऐसे नहीं लिखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखो तो, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। माइंड में एक बार आपको वो बेसिक ब्लॉक क्लियर होना चाहिए कि यहां से पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। बाद में क्या होगा कि आखिरी वाला जो स्टेज होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां जो जनरल एंट्री है मैं तो इसका ही यूज करने वाला हूं। आपको प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने हुए, 5 लाख हुए, तो हम लिखोगे व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट जिसमें हम लिखेंगे 5 लाख। आप बोलोगे सर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है, इंटू 5 करोगे तो 5 लाख हो जाएगा। यहां पे भी 5 लाख और यहां पे भी 5 लाख। तो आप बोलोगे सर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बच्चा वो आपको ध्यान में क्या रखना है, सिंपली व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव अभी आपको सिंपल फर्स्ट लिखना है और उसमें नरेशन में लिखना है। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन एप्लीकेशन वो लिखा जाएगा। आपको नरेशन आपको लिखनी पड़ेगी, आपको सिंपल ये जनरल एंट्री लिखनी है और नरेशन लिखनी है, ऊपर वाला पॉइंट गायब हो जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन मनी में बच्चा ये बैंक अकाउंट रहेगा, सोच के बताओ। तो आप बोलोगे नहीं सर क्यों, क्योंकि किसी ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमें दी नहीं है, जो एप्लीकेशन हमें मिलनी थी उतनी ही मिली है, 1 लाख शेयर इशू किए थे और 1 लाख शेयर ही हमें रिसीव हुए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यह हुआ कि बैंक गायब हो जाएगा, बैंक गायब हो जाएगा और यहां पे लिखा जाएगा 1 लाख जो यहां पे 5 लाख रुपीज हमें मिले थे वो शेयर एप्लीकेशन में से ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन में से ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। फिर से बोल रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन में से ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। और उसके साथ बच्चा हमारा ये जो पॉइंट था सेकेंड वाला, इसके साथ हमारा एप्लीकेशन का कंसेप्ट या बोल सकते हो एप्लीकेशन का वो क्लियर हो जाएगा। पहला दो जर्नल एंट्री जो हमने बोली थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड ट्रांसफर टू, आप बोलोगे सर कैपिटल। उसके बाद बच्चा शुरू जो होता है वो थर्ड पॉइंट है, वो है शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होंगे और बाद में रिसीव होंगे, क्योंकि एक बार आप शेयर होल्डर बन जाते हो, कंफर्म हो जाते हैं, तो आपके पास अलॉटमेंट मनी भी मंगवाते हैं। तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट मनी ड्यू होंगे तो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, बच्चा वो क्लियर कर दो। नंबर ऑफ शेयर आप बोलोगे 1 लाख शेयर है, तो जिसमें लिखोगे 1 लाख और इसके पर शेयर कितनी अमाउंट है, 3 है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 3 लाख होगा जो हमने पहले ड्यू किए। इसमें पैसे नहीं आ रहे, पहली एंट्री जो होती है वो ड्यू की होती है कि हमने इतने लोगों से इतने पैसे मंगवाए, जिसमें से लोगों ने कितना दिया तो फुल पेमेंट हुआ है, तो 3 लाख रुपीस बैंक में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और लोग किसके लिए देंगे, अलॉटमेंट मनी के लिए देंगे। इसके साथ बच्चा आपका जो अलॉटमेंट में था वो दो एंट्री, पहले ड्यू करनी थी थर्ड में और फोर्थ में रिसीव करनी थी, वो भी हो गई। अभी आप फिफ्थ में बोलोगे, मतलब फाइनल कॉल में बोलोगे पहले सर फिफ्थ में ड्यू करेंगे और सिक्स में रिसीव करेंगे। क्लियर है बच्चा? तो ये अभी लिखना शुरू करते हैं। तो शेयर ऑफ फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट जो करना है वो डेबिट किया, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहां 1 लाख इंटू 2 करोगे तो होगा कितना बच्चा, वो होगा 2 लाख रुपीज और यहां पे भी 2 लाख। तो मतलब आप बोलोगे सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड विल बी 2 लाख एंड क्रेडिट ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ 2 लाख। क्लियर है बच्चा? उसके बाद मनी रिसीव होंगे, तो मनी रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख से और क्रेडिट होगा शेयर फाइनल कॉल से 2 लाख रुपीज उसमें क्रेडिट होंगे। इसके साथ बच्चा हमारा जो 6 पॉइंट है वो भी खत्म हो गया। ये एक प्रैक्टिस सम था जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आए कि इसको हम कैसे सम के तौर पे लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बच्चा इसमें जनरल एंट्री में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप सर से क्लियर करो और फर्स्ट ऑफ ऑल इतना प्रॉपर नोटबुक में लिखो जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज इस सम में आगे बहुत दिक्कतें आएगी। तो ये प्रॉपर बेसिक जनरल एंट्री आप क्लियर कर लेना बच्चा, इसके बाद हम प्रैक्टिकल सम में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।